सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे इक्विटी का सभी स्क्रिप्ट। खास करके एक क्लाइंट ने हमने बोला था कि टीसीएस, रिलायंस और रिलायंस इंफ्रा डिस्टीवी का आज का परफॉर्मेंस कैसा है और लास्ट दो दिन का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो आज हम उसका वीडियो बनाकर उसके लिए अपलोड करते हैं। तो क्या परफॉर्मेंस रहा आज के लिए, तो बाई सिग्नल जनरेट हुआ है और बाई सिग्नल कंटिन्यू है और ये बाय हमारा वैसे माना जाए तो यहाँ से चल रहा है, क्योंकि बाई सिग्नल के पहले देखिए तो अपर साइड कंफर्मेशन एरो लगा हुआ है। यहाँ तीन कंफर्मेशन एरो लगा, एक दो और तीन। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में उसने कल 2:30 बजे उसने यहाँ से इन्फॉर्म किया था कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। उसने 2013 से बाय दिया, अभी चल रहा है 2068 चल रहा है। ये सेल सिग्नल कंफर्म नहीं है, आप हमारा पिछले का वीडियो देख सकते हैं क्यों कंफर्म नहीं है, क्योंकि सेल के पहले कोई भी डाउनसाइड कंफर्मेशन एरो नहीं लगा है। बाय देने के बाद उसका काम खत्म नहीं हुआ। यहाँ आपको बोला गया था कि मार्केट में और ऊपर जाएगा कल जब मार्केट ओपन हुआ तब। आज मार्केट में फिर से उसने अगर एग्जिट किया है यहाँ सेल पर से, तो फिर से आप यहाँ से बाई सिग्नल में कंटिन्यू ले सकते हैं, क्योंकि बाई सिग्नल के पहले ऑलरेडी उसने अगर लगाया ही है कंफर्मेशन एरो। यहाँ आपको बोला गया था और ऊपर जाएगा, यहाँ भी बोला और ऊपर जाएगा। रिलायंस इंफ्रा के अंदर देखते हैं तो बाई सिग्नल था, कंफर्म था, आपको एक बार यहां से एग्जिट करवा दिया। फिर से आपको आज मार्केट ओपन हुआ तो आपको बोल दिया गया कि अब आप मार्केट में और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और अभी मार्केट चल रहा है 143। रिलायंस के अंदर आप देख सकते हैं तो सेल सिग्नल जनरेट हो चुका है, ये कंफर्म है और अभी चल रहा है 1397 का जो कोस्ट टू कोस्ट है, आप देख लीजिएगा मार्केट में डाउन जाएगा। ये बाई सिग्नल है, कंफर्म है, बाई के पहले अपर साइड एरो है, यहाँ आपको बोला गया था कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। डिश टीवी के अंदर देखते हैं तो सेल सिग्नल कंफर्म है और डाउन साइड एरो है, मतलब कि सेल सिग्नल कंफर्म है, अभी चल रहा है 3980 पे। सन टीवी के अंदर देखते हैं तो सन टीवी के अंदर भी सेल सिग्नल जनरेट हो चुका है, आप इसके अंदर काम कर सकते हैं और अभी चल रहा है 629, आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। बाय सिग्नल के अंदर ये बाय कंफर्म था और काफ़ी मार्केट ऊपर गया, क्योंकि बाय के पहले देखिए यहाँ रहा अपर साइड एरो, कंफर्मेशन एरो। ये सेल सिग्नल गलत है, क्योंकि सेल के पहले कोई भी डाउन साइड कन्फर्मेशन एरो नहीं है, जैसे कि यहाँ बना था, मतलब कि ये रॉन्ग सिग्नल है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कॉल कर जान सकते हैं कि कैसे काम किया जाए। रेमंड के अंदर सेल सिग्नल चल रहा है कंफर्म वाला, आप इसके अंदर भी ट्रेड ले सकते हैं, अभी बहुत नीचे नहीं आया है। टाइटन के अंदर देख सकते हैं तो उसके अंदर भी सेल सिग्नल चल रहा है कंफर्मेशन वाला, क्योंकि सेल के पहले ये रहा डाउन साइड एरो। बाय के पहले ये बाय भी कंफर्म था, क्योंकि बाय के पहले ये रहा अपर साइड एरो। सेल देने के बाद आप उसने यहाँ बोला गया था कि और नीचे जाएगा और मार्केट अभी चल रहा है 1123। एचडीएफसी के अंदर देखते हैं तो एचडीएफसी के अंदर भी सेल सिग्नल चल रहा है कंफर्मेशन वाला, क्योंकि सेल सिग्नल के पहले ये रहा डाउन साइड एरो। उसके पहले का बाई सिग्नल था वो भी कंफर्म था, क्योंकि बाई के पहले ये रहा अपर साइड कंफर्मेशन एरो। बाई देने के बाद उसने दो बार बोला गया था कि और ऊपर जाएगा, यहाँ आपको फिर से बोला गया था और ऊपर जाएगा, जैसे डाउन साइड एरो आया मतलब कि पोजिशन एग्जिट। यहाँ सेल दिया, अभी चल रहा है, कभी भी वो अपर साइड एरो डाले तब आप पोजिशन एग्जिट कर लीजिएगा। टीवीएस मोटर के अंदर बाई सिग्नल जनरेट हो चुका है जो कि कंफर्म है, क्योंकि बाई के पहले ये रहा अपर साइड कंफर्मेशन एरो। बाई के पहले ये रहा अपर साइड एरो, मतलब कि अभी कंटिन्यू है, मार्केट चल रहा है 485, अभी 2-3 रुपये ऊपर गया है। ठीक है, ये बाई गलत है, सेल गलत है, मतलब कि आपको काम नहीं करने का। तो कोई भी दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको डेमो देखना है, लाइव देखना है, तो आप हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको लाइव डेमो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। तो जय हिंद।